राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के झालावाड़ में एंट्री कर चुकी है और एंट्री करते ही भारत जोड़ो यात्रा की एक अलग ही तस्वीर राजस्थान से सामने आई है। एक ही स्टेज पर राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कमलनाथ एक साथ ट्राइबल डांस करते हुए नजर आए। वीडियो में सभी नेता ट्राइबल समुदाय के लोगों के साथ खास तरह की धुन पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के चारों बड़े नेता एक दूसरे का हाथ थाम कर डांस कर रहे थे। आदिवासियों ने भी अपने ट्रेडिशनल डांस से समा बांध दिया। राहुल गांधी ने इसके बाद स्टेज से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ऐसे में इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलती जा रही है। 4 दिसंबर की शाम को ये यात्रा राजस्थान भी पहुंच गई। इस दौरान राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी मौजूद रहे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कई दूसरे मंत्रियों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत किया। वैसे आपको बता दें कि इस यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले ही गहलोत और पायलट ने यात्रा को सफल बनाने के लिए एकजुटता का चेहरा पेश किया था। एक तरफ जहां दोनों के बीच मतभेद देखे गए तो अब वहीं दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने पार्टी को एकजुट दिखाते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जो डरता नहीं है वही प्यार कर सकता है, जो डरता है वो प्यार नहीं कर सकता है, ये सच्चाई है। तो मैं डर को मिटाना चाहता हूं। आप पूछो कौन से डर को, जो किसानों के दिल में बीजेपी की सरकार ने डाला है, जो छोटे व्यापारियों, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों के दिल में नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके और कोरोना में किसी की मदद नहीं करके डाला है, जो युवाओं के दिल में बेरोजगारी फैलाकर डर डाला है, उस डर को मैं मिटाना चाहता हूं। बता दें कि राजस्थान में ये यात्रा 7 जिलों की 18 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। इन 18 सीटों में से 12 कांग्रेस और 6 पर बीजेपी का कब्जा है। भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान से 500 स्टेट यात्रियों का भी चयन कर लिया गया है जो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलेंगे। इसके अलावा यात्रा के साथ हर जिले से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजदूर और अन्य सभी समाज के लोगों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि 4 दिसंबर की शाम को राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरा पाटन विधानसभा क्षेत्र के चौली गांव में भारत जोड़ो यात्रा ने एंट्री की और यहीं पर विश्राम किया। इसके बाद ये यात्रा अगले दिन 5 दिसंबर को सुबह 6 बजे से आगे बढ़ेगी। यात्रा कोटा बूंदी जिले में 7 से 10 दिसंबर तक रहेगी। 11 और 12 दिसंबर को यात्रा सवाई माधोपुर जिले से टोंक जिले को छूते हुए गुजरेगी। फिर 13 से 16 दिसंबर के बीच दौसा के नयावास स्टैंड पर राहुल गांधी की एक सभा होगी। गिरिराज, धरण, सिकंदरा और मुकुदपुरा में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। आखिर में 17-18 दिसंबर को यात्रा अलवर में रहेगी। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का ये आखिरी पड़ाव होगा। मालाखेड़ा में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि 19 दिसंबर को यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर शुरू की गई इस भारत जोड़ो यात्रा का असर जनता पर किस तरह होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। फीडबैक जरूर शेयर करें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।